नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ऑटो इन्फो पे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ईएमआई मॉरिटोरियम को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है, सब्सक्राइब करें ऑटो इन्फो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे वीडियो सबसे पहले। आरबीआई ने जो 3 महीने का मॉरिटोरियम पिछली बार दिया था उसको बढ़ाकर 6 महीने का कर दिया है। तो आज अपन बात करते हैं, इसमें 4 चीज़ों को लेकर अपन बात करेंगे कि मॉरिटोरियम किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, फ़ायदा कैसे हो सकता है, नुकसान आपका कैसे हो सकता है। इसमें इन 4 टॉपिक को लेकर अपन आज बात करेंगे दोस्तों। पहले अपन बात कर लेते हैं ईएमआई मॉरिटोरियम किन को लेना चाहिए। आपको ईएमआई मॉरिटोरियम जब लेना चाहिए, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपका कारोबार बंद है, आप ईएमआई पे करने में असफल हैं, तब दोस्तों आपको ईएमआई मॉरिटोरियम ले लेना चाहिए। ईएमआई मॉरिटोरियम अपन ले कैसे सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए आपको आपकी बैंक से या जो भी एनबीएफसी से आपका फाइनेंस चल रहा है, लोन चल रहा है आपका, जो भी प्रकार का टर्म लोन है, क्योंकि ये टर्म लोन के लिए ये ऑफर है, वो आपको या तो फ़ोन कर देंगे या दोस्तों आपको वो एसएमएस के थ्रू या आपको ईमेल के थ्रू वो आपको जानकारी देंगे और आपसे रिप्लाई मांगेंगे। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस पर, और इसमें कई सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं दोस्तों, फ्रॉड से ज़रूर बचिएगा। किसी भी प्रकार का ओटीपी या आपका कार्ड नंबर वगैरह कुछ भी शेयर मत करिएगा दोस्तों किसी के भी साथ। तो दोस्तों पहले अपन बात कर लेते हैं ईएमआई मॉरिटोरियम से क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों ईएमआई मॉरिटोरियम से यही फ़ायदा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको 6 महीने के लिए मॉरिटोरियम मिल जाएगा, आपको बैंक से प्रेशर नहीं होगा ईएमआई भरने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होगा, आपकी सिबिल हिस्ट्री ख़राब नहीं होगी दोस्तों, आगे से आप लोन लेने जब भी जाएंगे बैंक में तो आपको आसानी से लोन मिल पाएगा। ये दोस्तों इसके फ़ायदे हैं। और इसके दूसरे पहलू में इसके नुकसान भी बहुत है दोस्तों। अब आप बात करते हैं अपन इसके इससे होने वाले नुकसान की। तो दोस्तों पहला नुकसान अपना ये होगा कि अपने को इसमें डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि अपन 6 महीने तक ना प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट पे करेंगे अगर बैंक को, तो बैंक अपने से 6 महीने का तो ये तो लेनी ही लेनी है, इसके अलावा जो 6 महीने अपन को बाद में जो बैंक देगी पीछे से उसका भी चार्ज करेगी। और हो सकता है कहीं बैंक या कहीं NBFC आपको डबल चार्ज करें दोस्तों, तो इस चीज़ से आप बचिएगा दोस्तों। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको ना लें दोस्तों। अगर आप ईएमआई भर पाएँ तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वही रखें। और इससे अपने को एक नुकसान ये भी होगा कि अपना लोन जो 6 महीने पहले क्लोज हो रहा था वो 6 महीने के बाद क्लोज होगा दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इससे किसको फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों जिन लोगों के खाते पहले से 3 या 4 किस्त या 2 किस्त ओवर ड्यू चल रही है जिन लोगों के खाते में, जिन लोगों के लोन के अंदर पहले से जो ओवर ड्यू चल रहा है, उनको ये मॉरिटोरियम लेके और अपने पुराने ओवर ड्यूज क्लोज कर देना चाहिए दोस्तों, ताकि उनका ट्रैक रनिंग में आ जाए, उनका वापस से लोन रनिंग में आ जाए दोस्तों। और बाद में 6 महीने के इसमें तो क्योंकि किसी का भी सिबिल ख़राब होना नहीं है दोस्तों, कोई भी प्रकार के सिबिल में इसकी जानकारी नहीं जाएगी दोस्तों, तो अपने को पुराना जो ओवर ड्यू है उसको पहले क्लोज कर देना चाहिए। आपके पास ये मौका है, अगर आप चाहें तो पहले पुराने ओवर ड्यू क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। जो ये 3 महीने का जो मॉरिटोरियम बढ़ा है उसमें आप, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लॉकडाउन में अपने को 60 से 70% तक बिजनेस ओपन करने के लिए रियायत दी है दोस्तों, रहें पूरा इस मौके का फ़ायदा उठाएं दोस्तों, और इसमें आप अपने पुराने ओवरड्यू क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, खाता आपका ट्रैक आपका रनिंग में आ सकता है। आरबीआई ने इसी के साथ में रेपो रेट जो थी पहले 4.40% उसको घटाकर 4% कर दिया है, तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आपको और भी सस्ते ब्याज दरों पर लोन मिलेगा दोस्तों। इसी के साथ में आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% कर दिया। इस बार आरबीआई ने 31 अगस्त 2020 तक का कर दिया है दोस्तों इसको मॉरिटोरियम को बढ़ा के।
और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप इसे भर सकते हैं तो इसे कृपया करके पहले भरें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको 6 की जगह 8 किस्त पे करनी पड़े या 9 किस्त पे करनी पड़े, क्योंकि इंटरेस्ट इतना हो जाएगा दोस्तों कि आपकी 2 या 3 किस्त के समान इंटरेस्ट होगा दोस्तों आपका। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जिन लोगों ने नए लोन लिए हैं उनको इसमें ज़्यादा नुकसान होगा दोस्तों, और जिन लोगों के लोन पुराने हो चुके हैं जिसमें 8 से 10 ही EMI बची हैं उनको इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्तों। इन ज़्यादा नुकसान उसी को होगा जिसने नया लोन लिया है, जिसने अभी 2020 में ही लोन लिया है, क्योंकि बैंक्स क्या करते हैं कि शुरू में जो होता है इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा रखते हैं और प्रिंसिपल का अमाउंट कम रखते हैं दोस्तों, बाद में प्रिंसिपल बढ़ जाता है इंटरेस्ट घट जाता है। तो इसी रेशियो से सभी NBFCs का नियम यही है दोस्तों। तो इसमें जो अभी नए लोन हैं उनको तो होगा ज़्यादा नुकसान, और जो लोन पुराने हो चुके हैं उनको होगा कम नुकसान दोस्तों। इसी के साथ मैं इस बात को अंत करता हूं दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पे विजिट करें दोस्तों। और भी हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड और कार से रिलेटेड, नई कार लें तो, पुरानी कार लें तो, और भी कमर्शियल व्हीकल की और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की और भी लोन जो है उनके बारे में भी आगे वीडियो लाएंगे दोस्तों। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।